बारिश के मौसम में पकौड़े तो सबने बनाए होंगे। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के क्रिस्पी करारे पकौड़े, बिल्कुल नए तरीके से और एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप छिलके वाली मूंग दाल। आप चाहें तो यहाँ पर धुली हुई मूंग दाल भी ले सकते हैं। छिलके वाली मूंग दाल से पकौड़े और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। दाल को हमें एक बार पानी से अच्छे से धो लेना है। अब फिर से पानी डाल दिया है और 3 से 4 घंटे के लिए हम दाल को भीगने देंगे। तो ये देखिए, 4 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो कर रखा है इन्हें। दाल अच्छे से फूल गई है। अब इसका हमें सारा पानी स्ट्रेन कर देना है। तो ये जो दाल के छिलके हैं इन्हें नहीं हटाएंगे। अब मिक्सर जा लेंगे और इसमें हम ये मूंग दाल डाल देंगे और ये 1/2 कप मूंग दाल हमने बचा कर रखी है। यहाँ पर हम लेंगे 1 हरी मिर्च, साथ ही लेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच लेंगे जीरा और 1 चम्मच लेंगे सौंफ, और ये है 7 से 8 काली मिर्च, और ये है 3 गार्लिक क्लोव। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं। अब इन सबको हमें ग्राइंड कर लेना है। ये दाल का हमने दरदरा सा पेस्ट तैयार किया है, तो इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। और अभी हम इसमें कोई बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं मिलाएंगे। दाल को हमें 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है, जिससे पकौड़े एकदम फूले फूले और क्रिस्पी बनेंगे। तो बस बिना पानी डाले दाल का हमने पेस्ट तैयार किया और इस तरीके से इसे हमें फेंट लेना है। तो मूंग दाल के ही पकौड़े बनाते हुए इन 2 ट्रिक को जरूर से फॉलो कीजिएगा। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। यहाँ पर हमने 1/2 छोटा चम्मच दिया है जीरा, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ और 1/2 छोटा चम्मच ही लेंगे धनिया। इससे पकौड़ों का फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। और ये बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल दी है, और साथ ही लिया है हमने 1 चम्मच आमचूर पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार ही नमक, सबसे लास्ट में ही मिलाएं। और ये जो दाल हमने बचा कर रखी थी वो डाल देंगे। 1/2 कप डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई पालक, हरा धनिया डाल देंगे और 1 छोटे से प्याज को हमने स्लाइसेस में कट किया है, इसे डाल देंगे। बिल्कुल लास्ट में सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे पहले आप तेल को गर्म होने के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ देंगी। तो सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम पकौड़े बना लेंगे। मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म कर लिया है। बैटर हाथ में लें और इस तरीके से राउंड शेप दे दें पकौड़ों को। आप चाहे तो डायरेक्ट भी इन्हें ऑयल में डाल सकते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये थोड़े से चिपक जाते हैं तो इस तरीके से इन्हें अलग कर दें। मीडियम फ्लेम पर ही पकौड़ों को फ्राई करें। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो एक साइड से गोल्डन कलर आ चुका है, इन्हें हम फ्लिप कर देंगे। देखिए, बिना किसी झंझट बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़े बनकर के तैयार है। पकौड़े एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है इनमें। अब हम इन्हें स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। बारिश के मौसम में तो इन्हें जरूर से बनाकर देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगे। इन गर्मा गर्म पकौड़ों को आप इमली की चटनी के साथ चाय के साथ से भी पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।